नरेंद्र मोदी ने सियाचिन में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी, तो वहीं मोदी की महिला मंत्री ने देश के वीर जवानों संग रक्षाबंधन मनाया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी रक्षाबंधन मनाने के लिए सियाचिन पहुंची और सैनिकों को राखी बांधी। सेना ने स्मृति ईरानी की यात्रा के लिए जरूरी इंतजाम किए। सियाचिन 24,000 की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे मुश्किल बैटल फील्ड है। स्मृति यहां पर जाने वाली पहली महिला मंत्री बन गई है। मैंने माता जी से आग्रह किया तो उन्होंने खुद अपने निरीक्षण में मिठाई बनाकर आप सबके लिए भेजा है। मैं नहीं जानती कि कितने लोग खा पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक बहन की राखी नहीं है, साथ में मिठाई के माध्यम से एक माँ का प्यार भी है। मेरी ओर से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्मृति ईरानी के अलावा कई महिला मंत्रियों ने सैनिकों के साथ राखी मनाई। जल संसाधन मंत्री उमा भारती, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने भी बॉर्डर पर जाकर सैनिकों के साथ रक्षाबंधन मनाया। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल जैसलमेर बॉर्डर पहुंची, जबकि केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल अटारी बॉर्डर गई थी और वहां जाकर बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। इस दौरान जवानों का जोश देखने लायक था। आज चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या सरहद पे बैठे हमारे जवान हो, आज कोशिश है कि इनको एहसास दिलाया जाए कि देश की सरकार हो या देश भर की बहनें हैं, आप अपनी बहन के पास नहीं हैं, लेकिन ये बहनें आपके पास आपकी दुआ कर रहे। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी 15 अगस्त को उत्तराखंड नेपाल सीमा का दौरा किया था। इसके अलावा वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा पर जाकर जवानों को राखी बांधने गई। वो तवांग गई, जहां उनके साथ गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी गए थे। जवानों संग मोदी के मंत्रियों ने राखी बांधकर जवानों की हौसला अफजाई की और जो जवान विपरीत परिस्थितियों में देश की सेवा कर रहे हैं उन्हें भी परिवार जैसा अनुभव कराया और ये बताया कि उनके साथ देश की मोदी सरकार है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।